Assalamu alaikum and welcome to my YouTube channel Recipes by Bangash. Aaj hum aapke saath share karenge milk powder se bani hui barfi ki recipe. Ye bahut hi easy hai aur bahut hi quick recipe hai. Chale badhte hain apni recipe ki taraf. Humne liya hai ek frying pan, usme hum add kar denge 2 tablespoon ghee. घी को हम मेल्ट होने के लिए रख देंगे लो मीडियम हीट पे. उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे मिल्क हाफ कप. उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे चीनी तकरीबन 3 टेबलस्पून और इसे उबालने के लिए रख देंगे लो मीडियम हीट पे. जब दूध अच्छी तरह से उबलना शुरू हो जाए तो हम इसमें ऐड कर देंगे मिल्क पाउडर 2 कप. और इसे हम लो हीट पे अच्छी तरह से पकाने के लिए रख देंगे और चम्मच हिलाते जाएंगे. इसमें हम तब तक चम्मच हिलाते जाएंगे जब तक ये अच्छी तरह से हलवे की शक्ल में कन्वर्ट ना हो जाए, यानी बिल्कुल थिक हो जाए जो इसका जो पेस्ट है. लो मीडियम बिल्कुल ही लो हीट पे हम इसे पकाएंगे और ये देखें आहिस्ता आहिस्ता ये गाढ़ा होता जा रहा है. इसमें हम ऐड कर देंगे अब कार्डमम पाउडर हाफ टी स्पून और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे. हीट को बिल्कुल ही लो रखनी है और इसे ऐसे चम्मच हिलाते जाएंगे. और ये देखिए जो हमारा जो बर्फी का हलवा सा है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है. अब हम इसे चूल्हे से उतार देंगे. ये बिल्कुल ही थिक हो गया है देखें. इसी तरह से जब ये पैन से अलग होना स्टार्ट कर दे तो इसका मतलब है हमारा जो बर्फी का मिक्सचर है वो बिल्कुल रेडी है. अब हमने लिया है एक बेकिंग पेपर, उसके ऊपर हम बर्फी सेट कर देंगे इस तरह से. याद रहे आप डायरेक्ट गरम गरम ही इस पे बर्फी का जो हमने मिक्सचर बनाया है वो रख वो पे सेट कर दें, क्योंकि फिर सही से सेट नहीं होगा अगर ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए. अब हम इसे सफाई दे देंगे कि ये बहुत ही गर्म होता है, तो आप पिज़्ज़ा कटर के साथ या केक कटर के साथ इसे सेट कर दें. अब हम इसके ऊपर चांदी का वर्क लगाएंगे. आप ड्राई फ्रूट्स अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं. और इसे हम अच्छी तरह से सेट कर देंगे उंगलियों की मदद से और इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे. ये जब अच्छी तरह से ठंडा हो जाए तो हम इसे कट करेंगे. तो 2 घंटों के बाद ये अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है. अब हम इसे कट करेंगे. तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक जैसे कट करना चाहे कट कर सकते हैं. अब हम इसे सर्विंग प्लेट में डाल देंगे और ये हमारी बर्फी बिल्कुल तैयार है.
उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो kindly सब्सक्राइब कर दीजिए। और अपना ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।